ये सर रूपा जी, बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो कम है, लेकिन जो एक्सपोर्ट हैं कॉटन के, ज़्यादा प्रीमियम रहने की वजह से थोड़े गिरते नज़र आई हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कॉटन में आगे क्या तेज़ी कायम रह पाएगी? देखिए, कॉटन में अभी सचमुच तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है। क्लेश ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है बाजारों में, और उसके बाद हमने हल्की करेक्शन आते हुए देखी, वहां से फिर बाजार उठे और अभी भी तेजी की तरफ है। अब यहां से छुटमुट तेजी बन सकती है, लेकिन करेक्शन के लिए बहुत बड़ा गैप है। अब बाजार अगर लुढ़का तो काफी अच्छे नीचे स्तर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए कॉटन में तेजी जो आनी थी वो आ चुकी। छुटमुट तेजी और बन सकती है प्रोडक्शन की खबरों के चलते, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर फार्मर्स को भी अपना माल थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करना चाहिए। फार्मर्स के साथ साथ अगर ट्रेडर्स ने भी रखा हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट लेने की ही पोजिशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन और मार्केट अपसाइड में रह सकता है, उसके बाद वहां से करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए काफी अच्छे प्राइसेस हैं, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए और यहाँ से कभी भी यू टर्न लेती हुई मार्केट दिखाई दे सकती है जी।